डियर स्टूडेंट्स, इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि एक ग्राइको लैटिन स्केल डिज़ाइन को यूज़ करते हुए हमें कौन से एडवांटेजेस हासिल होते हैं, किस किस्म की सिचुएशन में ग्राइको लैटिन स्केल बेटर रिजल्ट्स देता है दूसरे लैटिन स्केल डिज़ाइन से या दूसरे ब्लॉक डिज़ाइन से, तो हम कुछ एडवांटेजेस कंसिडर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल डिफाइन अ ग्राइको लैटिन स्केल डिज़ाइन, अ डिज़ाइन इन विच थ्री सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस आर कंट्रोल्ड थ्रू ब्लॉकिंग. This design is also called triple grouping design. तो हम जानते हैं कि ग्राइको लैटिन स्केल डिज़ाइन जो है वो ट्रीटमेंट के अलावा तीन और सोर्स ऑफ वेरिएशन को थ्रू ब्लॉकिंग कंट्रोल करता है. तो इस तरह ये ज़्यादा वेरिएशन को कंट्रोल कर सकता है अगर हमारा डाटे में ज़्यादा किस्म के एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं और वो एक से ज़्यादा हैं या दो से भी ज़्यादा हैं जो लैटिन स्केल डिज़ाइन की सिचुएशन है, तो फिर हम थ्री सोर्स ऑफ वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए ग्राइको लैटिन स्केल डिज़ाइन को चूज़ करते हैं. तो इस तरह जो हमारी एक्सपेरिमेंटल एरर है उसमें कमी आ सकती है बाय कंट्रोलिंग मोर सोर्सेज ऑफ वेरिएशन. इसका एडवांटेजेस अब हम वन बाय वन कंसीडर करते हैं. कंट्रोल्स मोर वेरिएशन, दिस डिज़ाइन कंट्रोल्स मोर वेरिएशन दैन सी आर 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 सी बी डी बिकॉज ऑफ टू वे स्ट्रेटिफिकेशन. दिस रिजल्ट्स इन अ स्मॉलर मीन स्केयर ऑफ एरर. तो कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन में हम किसी किस्म की ब्लॉकिंग नहीं करते. अगर हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स वेरी करते हैं, उनके अंदर वेरिएशन है, तो हमारी एक्सपेरिमेंटल एरर इंक्रीज़ होगी और मीन स्केयर एरर भी इंक्रीज़ होगी. इसी तरह अगर हमारी ब्लॉकिंग एक से ज़्यादा टाइप की रिक्वायर्ड है, तो फिर आर सी बी डी भी एनफ नहीं है, फिर हमें मोर ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, या तो लैटिन स्केयर पे जाना पड़ेगा या फिर ग्राइको लैटिन स्केयर पे. तो ग्राइको लैटिन स्केयर चूँकि मोर सोर्स ऑफ वेरिएशन को कंट्रोल करता है, तो इसलिए हम इसको समझते हैं कि कुछ सिचुएशन में ये डिज़ाइन बेटर है दूसरे ब्लॉक डिज़ाइन से. सेकंड एडवांटेजेस, सिंपल एनालिसिस. द एनालिसिस ऑफ डाटा फ्राम अ ग्राइको लैटिन स्केयर डिज़ाइन इज सिंपल. ऑल सोर्स ऑफ वेरिएशन हैव इक्वल डिग्री ऑफ फ्रीडम. सम्स ऑफ स्क्वायर्स आर इजीली कंप्यूटेड. तो हमने देखा कि जब हम अनोवा कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्लाइको लैटिन स्केल डिज़ाइन से, तो सारे के सारे सोर्स ऑफ वेरिएशन एक ही डिग्री फ्रीडम पे आते हैं. दैट इज़ पी माइनस वन. अगर 4/4 लैटिन स्केयर है तो हर एक की डिग्री फ्रीडम 3 है, और इनके सम्स ऑफ स्केयर्स की स्ट्रक्चर भी आलमोस्ट आइडेंटिकल है, एक जैसे फार्मूले तकरीबन सब में यूज़ होते हैं. तो इसलिए इसका एनालिसिस कंपैरेटिवली सिंपल है. थर्ड एडवांटेज, मिसिंग ऑब्जर्वेशंस. The analysis of data from a Graico lattice square when some observation is missing is simple. The design does not lose its efficiency a lot in case of missing data. तो अगर missing observation exists करती है और data from Graico lattice square design आया है, तो हम देखते हैं कि इसके analysis में कोई बहुत ज़्यादा efficiency का loss नहीं होता. तो ये एक advantage है कि ये design comparatively less effect होता है विद द मिसिंग ऑब्जर्वेशन. तो इस तरह हमने देखा कि ग्राइको लैटिन स्केल डिज़ाइन को यूज़ करते वक्त हमें कौन कौन से एडवांटेजेस हासिल होते हैं.